सो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ऑनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साउंड। तो आज हम बनाने वाले हैं एक पावरफुल होम स्टीरियो एम्पलीफायर टू जोन का, जो कि ना अब बहुत ही कम प्राइस में और अच्छा क्वालिटी में होने वाला है। सो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, इधर पे कैबिनेट हम ले लिए, जो कि ना बहुत अच्छा है ऐसा नहीं और बहुत बुरा है ऐसा भी नहीं, मीडियम क्वालिटी है। और इसका जो पेंट का क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है, जल्दी से जंग नहीं पड़ेगा। तो इसका जो प्राइस है बहुत ही सस्ता है और मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा। और इसके साथ जो जो कंपोनेंट्स चाहिए वो हम दिखा रहे हैं। तो एट फर्स्ट ये रहा हमारा जो एम्पलीफायर का बोर्ड है, मोंटी का तरफ से 3773 बोर्ड, जो कि ना 3055 बोर्ड से थोड़ा इसका क्वालिटी अच्छा होता है। इसका जो बेस क्वालिटी है, वाइब्रेशन क्वालिटी है और इसका जो पावर आउटपुट क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है 3055 के तुलना में। सो गाइस, ये जो सर्किट है, ये सर्किट में आप 5200/1943 का PRB लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग बोर्ड को देख लेते हैं। ये जो बोर्ड है देख सकते हैं, इसका क्वालिटी मोंटी ने बहुत ही अच्छा क्वालिटी किया, एक देख सकते हो इसका बैक साइड, इसका जो प्रिंट क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। इससे पहले भी मैं 2-3 बोर्ड ऐसा कस्टमर को दे चुका हूँ, तो इस बोर्ड को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये जो 2 कैपेसिटर्स है गाइस, ये 35 वोल्ट का है, तो हम लोग लगवाएंगे 24 वोल्ट, जिसके लिए हमको चाहिए 50 वोल्ट का कैपेसिटर। सो इधर पे हम 50 वोल्ट का कैपेसिटर ऐड करेंगे ये दोनों को खोल के। और इसका बैक साइड में 5 वोल्ट के लिए एक कैपेसिटर दिया हुआ रहता है, वो भी हम चेंज करेंगे। और इसके साथ हमको चाहिए ब्लूटूथ मॉड्यूल, जो कि देख सकते हैं नहर की तरफ से, तो इसको हम खोल लेंगे। नहर का जो क्वालिटी है गाइस अच्छा क्वालिटी है, हमारा कोलकाता में बहुत चलता है नहर का। अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको इसका एड्रेस वगैरह सब कुछ बता दूंगा। तो इसका क्वालिटी देख सकते हो गाइस, नहर ने बहुत ही अच्छा क्वालिटी किया है। इसका जो पैनल है, फिलहाल ये जो पैनल ब्लूटूथ है ये FM के लिए नहीं है गाइस, ये ओनली ऑक्स ब्लूटूथ वगैरह ये सब के लिए है। तो आप लोग देख सकते हो, अब हम इस पे इसका जो फ्रंट पैनल है इसको ऐड करेंगे। तो गाइस हम इधर पे फ्रंट पैनल ऐड करने के बाद इधर पे हमारा जो ब्लूटूथ पैनल मॉड्यूल है वो लगा लेंगे। गाइस ये लगाने के बाद बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो आप लगा रहे हो ये टूट ना जाए, कई कबार जो पैनल है टूट जाता है। तो इधर पे देख सकते हो हमारा जो कैपेसिटर हम बोले थे चेंज करने के लिए, वो चेंज कर लिए। पीछे जो था उसका हम, वो लोकल क्वालिटी का था कैपेसिटर, उसको चेंज करके हम कैल्ट्रॉन का लगा लिए। ये देख सकते हो 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड का, और सामने 50 वोल्ट 4700 माइक्रोफैराड का हम लोग कैपेसिटर ले लिया। इधर पे हमने सब कुछ लगा लिए तार वगैरह, ये जो तार है मेरे हाथ में ये पावर सप्लाई का है, लाल ब्लैक एंड रेड वायर जो है वो 5 वोल्ट के लिए, और इधर पे हम 2 जोन के लिए 2 येलो एंड 1 रेड ग्राउंड एज अ ग्राउंड ले लिया है स्पीकर आउटपुट के लिए। तो गाइस इसको अब हम धीरे से सोल्डरिंग करेंगे। गाइस सोल्डिंग थोड़ा केयरफुल से करना, क्योंकि कोई भी अगर डिस्पूट रह जाए सोल्डिंग में तो साउंड में डिस्टर्शन हो सकता है। तो आप लोग सोल्डरिंग करने के टाइम में बहुत केयरफुल रहना। तो हम 2 जोन बनाएंगे। सो इधर पे जो स्पीकर कनेक्टर है 2 ले लिए हमने, एक एक कनेक्टर में हम एक एक चैनल ऐसा यूज़ करेंगे। तो एज फर्स्ट हम जो रंग है इसको लगा लेंगे, और रेड वाला जो ग्राउंड ऐसा हमने लिया है उसको पहले ऐड कर लेंगे। सो गाइस इसको ऐड कर लेंगे। गाइस हमारा एक चैनल ऐड हो गया है, तो वैसे उधर से हमने दूसरी चैनल पे भी कनेक्शन लेना है ग्राउंड। वो ग्राउंड जो है मशीन का हर जगह पे एक ही ग्राउंड आपको मिलेगा, तो आप ग्राउंड
कहीं से भी ले सकते हो। तो हम पहला जोन का जो जोन ई है, जोन का हम कनेक्शन कर लेंगे येलो वाला वायर से। तो हम पहला येलो वाला वायर देख सकते हैं, हम लगा लेंगे नंबर ये चैनल के लिए। इधर भी थोड़ा काट लेंगे क्योंकि हमारा काम में थोड़ा आसानी हो जाएगा, हम थोड़ा तार भी बचा पाएंगे। वो क्या है, आज मार्केट में बहुत प्राइस है जो वायर्स का है, पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा है। सो इधर पे हम चाहते हैं थोड़ा बचत करने के लिए, इधर पे भी थोड़ा सोल्डरिंग ऐड कर लेंगे। सोल्डरिंग ऐड करने के बाद इसको हम जोड़ लेंगे, तो देख सकते हो गाइस, ये ऑलमोस्ट हमारा पहला वाला जो चैनल है कनेक्शन कंप्लीट होने वाला है स्पीकर आउटपुट का। तो इधर पे देख सकते हैं हम पूरा कनेक्शन कर लिया है, इधर पे हीटिंग सिलियो वगैरह सब कुछ लगा के जो कनेक्शन करने का था। हम ट्रांसफार्मर से निकाले हुए अभी तक जो 12 वोल्ट का सप्लाई है उसको यूज़ नहीं किया, बाद में यूज़ करेंगे इंडिकेटर के लिए, पावर इंडिकेटर के लिए। सो इधर पे जो ट्रांजिस्टर से देख सकते हैं आप, पावरफुल ट्रांजिस्टर से बहुत। तो ऑलमोस्ट हमारा एम्पलीफायर जो है रेडी है गाइस, इसका साउंड चेक हम देखने वाले हैं। हम इधर पे कनेक्शन कर लेंगे गाइस, ये हमारा तो गाइस, आपको भी अगर कोई एम्पलीफायर बनाना हो तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। कोई भी एम्पलीफायर 5240 और 4440 कोई भी एम्पलीफायर हम। सो गाइस, इधर पे हमारा एम्पलीफायर रेडी है, इसका जो आउटर लुक है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।